चुनाव हुआ, कोई किसी पर आरोप नहीं लगा सकता। अब मोदी जी का कार्यकाल भी बहुत शानदार रहेगा। आजाद पात पर बट गया है, विकास कोई नहीं देख रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन चर्चा जो है वो अभी भी चल रही है। अभी भी देखिए कि लोग इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, यही सब चीज जान रहे हैं। क्या बात हुई, कहां क्या घटा, कहां क्या बढ़ा, सब कुछ जो है वो साफ हो गया। और मतलब शानदार जो रिजल्ट कहा जाता है ना, वो शानदार रिजल्ट आया। क्या लगता है, क्या कहिएगा, तीसरी बार फिर से पीएम? नहीं, ठीक है, विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है। और चुनाव नीरज खाली मतलब निराश करने वाला परिणाम उन लोगों के लिए है जो उम्मीद ज्यादा रखे थे। ऐसे अगर माना जाए तो हर वर्ग खुश है, ईवीएम भी खुश है। बेचारा ईवीएम बच गया, बेचारा ईवीएम बच गया, है ना, ईवीएम बच गया। हर वर्ग खुश है, कोई किसी पर दोष नहीं लगा रहा। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? समझ ही नहीं आ रहा लोगों को कि क्या बोले, है ना। बोलना क्या है, ये ईवीएम पहला तो चुनाव में ईवीएम बच गया, बेचारा कितना ईवीएम टूट जाता। पदाधिकारी पर आरोप लग जाता कि बेईमानी किए हैं। दो, और तीसरा, विपक्ष भी बहुत शानदार रहा। अब मोदी जी का कार्यकाल भी बहुत शानदार रहेगा विपक्षों के गजमार्क से। इधर उधर डोले नहीं देगा विपक्ष। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो आने वाला 5 साल का अगर कार्यकाल जो होगा, वो हमको लगता है कि जनता के लिए बड़ा अच्छा होगा, बहुत अच्छा, और खास करके बिहार के लिए और अच्छा होगा। बिहार के लिए और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, क्योंकि नीतीश जी बाजी मार गए। आप पहले ही बोल देते हैं क्या भाई, ये तो गजब हाल है आपका। पहले रिजल्ट मत दीजिए, सुन लीजिए। लेकिन लहर तो लूट लिए नीतीश कुमार, लहर लूट लिए। चुनाव तो चाहे जो भी जीते, लेकिन लहर तो नीतीश कुमार लूट लिए। नहीं जीते, लेकिन काला जब शासन होगा तो थोड़ा विरोध तो होगा ही ना। नंबर एक, नंबर दो, निष्पक्ष चुनाव हुआ, कोई किसी पर आरोप नहीं लगा सकता है। अब पक्ष विपक्ष दोनों एंजॉय ले रहा है। पहला चुनाव हुआ कि इसमें पक्ष भी खुश है और विपक्ष भी खुश है। लेकिन एक चीज हम भी ये भी देखे सर, कि यहाँ पे हारने वाले ज्यादा खुश हैं। ऐसा देखने को मिला क्या कि हारने वाले ज्यादा खुश हैं? सही बात, सही बात। ऐसा क्यों है? कुछ नहीं, इसे कुछ सही वाला बात है क्या? ना ना, हारने वाला खुश इस अति में है कि विपक्ष मोदी जी कम जीते हैं, लेकिन मोदी जी के अनुरूप जितना मेहनत किए थे उतना मजदूरी नहीं दिया, ये बात के लेकर के उनके समर्थक दुखी जरूर है। अयोध्या की तरफ इशारा है क्या? हाँ, अयोध्या भी है, घर घर में अनाज दे रहे थे, वो कहाँ लोग उसके अनुरूप में दिया? जात पात पर बट गया है, विकास कोई नहीं देख रहा है, विकास देखना चाहिए। अच्छा, विकास की बात कर रहे हैं, जैसे ही विकास का बात आता है तो आरा के लोग विकास का तो बड़ा जिक्र किए हमसे खूब बताए। थोड़ा सा नाराजगी भी था गांव दराज में, जो है वो अभी भी कहीं कहीं पे सड़क का कमी है, तो वहां पर नाराजगी था, लेकिन परिणाम बिल्कुल एकदम विपरीत आया। आरा में बहुधार किसी के साथ गलत हुआ, वहां की जनता बहुत गलत काम किया उनके साथ। इतना विकास किए, वो बैलगाड़ी से लोग घूमता था आरा में। विकास पर कहां दिया और विकास पर कहां वोट मिला? विकास तो कर भी किए, विकास किए, मिलना चाहिए था उनको मजदूरी। अब आगे से जब जाते पात तो वोटे मिलना है, तो मोदी जी के इतना करने की क्या जरूरत है? रात दिन 18 घंटा 22 घंटा वो मेहनत किए हैं, वो जात कर के नाम पर नहीं दिए हैं। किसान सम्मान निधि चाहे अनाज दिए हैं, टोटल लोगों को घर दिए हैं, गैस सिलेंडर दिए हैं, लेकिन वो सब लोगों को दिया हुआ बेकार गया, क्योंकि वो लोग अपना जात पात कर देख करके, चाहे आरा में वोट किए या काराकाट में किए, आयुष्मान कार्ड दिए, आयुष्मान कार्ड 5 लाख का इलाज, अब क्या दें? लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार है ना, लेकिन इस बार जो है कहा जाए कि मजबूती से विपक्ष भी है, तो क्या लगता है कि एक जो लोग नौकरी को लेकर थोड़ा सा नाराजगी जता रहे थे, बार बार हमसे नौकरी के जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे सरकारी नौकरी घट गया है, तो क्या लगता है कि ये सब भी फैक्टर रहा कि थोड़ा सा सीट कम आया? हालांकि तीसरी बार तो है ही, थोड़ा सा यूपी में ये फैक्टर रहा है, बाकी सब ठीक है। चुनाव बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ कि थोड़ा सा एनडीए को कम सीट मिली, लेकिन ऐसा हुआ कि वो भी लोग जो आप बोले कि हारने वाले भी बहुत खुश हैं, कि चलिए हम तो 50 से कम 99 पर तो पहुंच गए, कुछ नहीं से कुछ सही। हाँ हाँ, जबकि 28 पार्टी मिल करके अकेले भाजपा के बराबर भी वोट सीट नहीं ला सका, इसी में वो खुश हैं, वो
कि जो है सो हम कम से कम 99 पतों पहुंच गए। हाँ। लेकिन एक चीज हम देखे भैया कि बिहार में तेजस्वी बड़ा प्रचार किए कि 17 महीना में हम ये किए, 17 महीना में वो किए, लेकिन उसका कुछ खास असर हुआ नहीं नीतीश कुमार के वोटर पर। नहीं, कुछ बहुत असर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 50 से 100 या 200 पूरे इंडिया गठबंधन आए तो उसका तो कुछ तो असर जरूर हुआ। ये हमको लगता है ये गलत प्रचार का, गलत प्रचार का तो कुछ फायदा जरूर मिला उन लोग को। लेकिन हमको ये लगता है सर कि ये पूरे देश की अगर बात की जाए तो आने वाला 5 साल देश के आम लोगों के लिए, खासकर मिडिल क्लास के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। अच्छा रहेगा, एनडीए का सरकार बनेगा, मोदी जी सब पर ध्यान रखेंगे, ऐसे भी उनका ध्यान सब पर रहा है, सब जाति पाति नहीं बल्कि सभी समाज पर या सभी कैटेगरी पर। तो उस तरह से मोदी जी आगे भी ध्यान रखेंगे और बिहार का प्रमुखता हो सरकार में, एनडीए की सरकार जो बने उसे बिहार का प्रमुखता हो और बिहार का विकास हो, हम लोग यही चाहेंगे। तीसरी बार मोदी सरकार, क्या क्या उम्मीद है? बहुत अच्छा। उम्मीद क्या क्या है, क्या क्या चाहिएगा? उम्मीद अब उनको पूरा ताकते नहीं है, ताकते नहीं, नहीं कमजोर हो गए, बहुमत में रहते हैं तो जे बुझाता से करते। हाँ, तो वो भी तो ठीक नहीं होता, जे बुझाता से करते तो ये भी तो ठीक नहीं होता। नहीं, जो कर रहे हैं सो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, जो किए हैं सो भी अच्छा किए हैं और आगे दिन अच्छा करते। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो है वो क्या उनको एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहिए, किन सब चीजों पे एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अब आने वाला 5 साल वो फिर से अब मैदान तैयार करने में लगाएंगे, है ना? कल के 8:30 अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा चीज बता दिए मोदी जी कि हम कहीं से कम नहीं है। हाँ। और अगला 5 साल हम और तेजी से काम करेंगे। हाँ। हाँ। क्योंकि अब जो है वो कहा जाए जमीन तैयार करेंगे 5 साल, है ना? कि इस बार जो थोड़ा सा लोग, जो कुछ लोग नाराज रह गए, अगले चुनाव में जो है उनकी नाराजगी भी दूर हो जाए। नाराजगी तो दूर हो जाएगी। सबसे बड़ी ये दिक्कत हुई इस चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं में उदासीनता थी, इसलिए थी कि संगठन का जिम्मेवारी ऐसे लोगों के हाथों में दे दिया गया जो दूसरे दल से आए थे, जिनको इस संगठन के विषय में ABCD का कुछ भी पता नहीं था, और ऐसे ऐसे जगह पर उनको उन लोगों ने प्रभारी बनाया कि उसको भी, वो भी पार्टी में नया व्यक्ति आया था और हर पार्लियामेंट का प्रभारी बना, जिसको उस क्षेत्र का कोना का भी पता नहीं था कि हमारा कार्यकर्ता किस कोना में है। आरा में हुआ। हमारे आरके सिंह साहब बहुत काम किए विकास का, लेकिन हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को उनके यहाँ जितनी उपेक्षा हुई है, हमको नहीं लगता है कि बिहार में किसी पार्लियामेंट के सांसद के यहाँ उपेक्षा हुआ है। किसी भी कार्यकर्ता से उनका अच्छा संबंध नहीं था। आप व्यक्तिगत रूप से किसी से अच्छा संबंध नहीं, कोई भी काम करने के लिए सीधे लिख देते थे कि भाई हम किसी लोकल का काम पैर भी न करेंगे, ही न करेंगे। आजकल व्यक्तिगत संबंधों पर वोट पड़ता है। देखिए, व्यक्तिगत संबंध की बात किए हैं, व्यक्तिगत संबंध का जैसे ही नाम आता है तो हमको रामकृपाल यादव याद आते हैं, है ना? उनसे ज्यादा तो व्यक्तिगत संबंध हमको नहीं लगता है कि कोई मेंटेन करके चलता होगा। बर्थडे पार्टी फंक्शन सब में जाते थे, लेकिन वो भी तो हार गए। हाँ, तो व्यक्तिगत संबंध कहाँ काम आ रहा है? कोई हम लोग सोच रहे हैं कि जो समीकरण का बात करते हैं वो समीकरण अगले सीट पर वो गलत साबित हो जाता है, है ना? जातिवाद की बात करें, अगले में जातिवाद पे वोट नहीं हुआ है। गरीबी की बात करें, अगले बार में, अगले सीट में लोग जातिवाद को भूल गया है। तो कुछ कहना ही बड़ा मुश्किल है। ये कहा जा सकता है, अगर हमको मिला जुला के कहना पड़े तो हम ये कह सकते हैं कि जनता ने जो है इस बार दिखा दिया है कि हमारी ताकत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता अपना ताकत दिखा दिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जीत के जाते हैं तो आप अपना क्षेत्र में रहिए। हाँ, मेरे भरोसे नहीं रहिए, अपना क्षेत्र में जाइए और जनता के दुख दर्द को सुनिए, और नहीं तो मेरे भरोसे में रहिएगा तो आप हमको भी डुबा दीजिएगा। फिर भैया उम्मीद लग रहा है कि अब फिर से मोदी सरकार है, क्या लगता है, कितना उम्मीद है, क्या क्या उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद है, मेरे युवा को मतलब को नौकरी देना चाहिए, रोजगार तो नहीं, रोजगार देना चाहिए, यही सब। महंगाई भी कम होनी चाहिए, महंगाई का भी तो मुद्दा लोग उठा रहे थे, है ना? कम होना चाहिए। इस बार देखिए वोट भी घट गया है, क्या लगता है ये सब चीज सोच के लोग वोट दिया हुआ तब ना? सोच के दिया तब ना जीते हैं। सॉरी, देखिए वही बात है कि जैसा कि हम बोले ना कि हर बार जो है वो कहा जाता था कि जनता की जीत है, लेकिन इस बार सही में जनता की जीत जो है वो दिख रही है, क्योंकि मजबूती से विपक्ष भी आया है और सत्ता पक्ष भी जो है वो उसी तरह से प्रदर्शन किया है। चलिए हम लोग और आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार का समीकरण क्या कहता है, तीसरी बार मोदी सरकार क्या उम्मीद है। आइए, ठीक, क्या लगता है भैया तीसरी बार मोदी सरकार क्या क्या उम्मीद है इस बार, क्योंकि इस बार जो है वो विपक्ष भी बड़ा मजबूती के साथ आया है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनने में अभी शक है। हाँ, मोदी जी पर बात करना अभी बेकार। हाँ, हाँ,
क्या लगता है, कुछ संशय है क्या? क्या संशय? हाँ, महागठबंधन के भी बन सकता है। हाँ, महागठबंधन के भी। हाँ, बाप रे बाप, नीतीश कुमार की तरफ इशारा नहीं ना कर रहे हैं? महागठबंधन में जो हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ में तो बड़ा जोरदार चाबी है, है ना बिहार में। बड़ी सामाजिक चाहने के बाद तो नीतीश जी चाहेंगे तो उलट फेर कर ही दे सकते हैं। अरे बाप, और इंडिया गठबंधन का शुरुआत करने वाला ही नीतीश कुमार है। और कांग्रेस को त्याग करने की आवश्यकता है, अगर कांग्रेस त्याग करती है और नीतीश कुमार को साथ रखती है तो मोदी सरकार बनना नामुमकिन है। तो क्या लगता है, कांग्रेस त्याग करने को तैयार होगी? संभवतः बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस तैयारी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार जो है वो पूरा विपक्ष एक होके यही ना तैयारी किए थे जी कि मोदी को किसी तरह से हटा दें। तो अब तो एक ही काम बच रहा है। हाँ जी, काम हो सकता है। हाँ, संभवतः। अरे बात चल रही है। अरे बाप रे, बात भी लगभग चल रही है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाकर के छोड़ दिया जाए। शरद पवार तो कल ही से फोन कर रहे थे, तीन चार बजे से फोन करना शुरू कर दिए थे। ये चार बजे से फोन आना शुरू हो गया था। चार बजे से अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किसका बने। हाँ। अब एक तरफ इनको डिप्टी पीएम मिल रहा है तो दूसरा तरफ पीएम मिल रहा है। अरे बाप रे, तो कोई भी चाहेगा कि हमारा ऊंचा पद मिले तो उसी में जाएं। लेकिन क्या लगता है, इस बार चुनाव बड़ा रोचक रहा कि नहीं? बहुत अच्छा, जनता दिया है बहुत, बहुत सोच समझ, बहुत सोच समझ के दिया है। जनता दिखाया है कि हम ही सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि है, हमसे बच के नहीं रह पाई नहीं है, नहीं और तानाशाही नहीं चला। मतलब सब, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसको जनता ने ये नहीं बताया हो कि हम मेरा जरूरत है आपको। हाँ। आपका जरूरत हमको नहीं है, नहीं है ना? आपका जरूरत नहीं है, मेरा जरूरत है। हाँ। हम जो चाहेंगे वही वही होगा, वही होगा। सही, नीतीश कुमार जी ने बार बार बोला है कि पब्लिक मालिक है। हाँ। लेकिन मालिक गरीब होता जा रहा है। हाँ। और नौकर ऐसे बड़का होता जा रहा है, बड़का होता जा रहा है, यही तो फेरा यहाँ लगा हुआ है। इस बार देखिए कि बिहार में भी काफी उलट फेर रहा है ना, बिहार में भी जो है वो अलग अलग चीजें देखने को मिली। लेकिन बात वही है कि जनता जो चाहती थी, जनता ने यही चाहा था कि हम लोग जो है हमारा पावर दिखे, हम ये दिखे कि मजबूती से हम ही जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल लोगों को हम ही कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसका असर देखने को मिला। फिलहाल चलिए हम लोग और आगे बढ़ेंगे और लोगों से जानेंगे, और जानेंगे कि तीसरी बार मोदी सरकार अगर बनती है तो क्या उम्मीद होता है लोगों को। देखिए बोले ना कि जहां जा रहे हैं वहां वही चर्चा ही चल रहा है, कल ही वाला चर्चा ही चल रहा है, चारे जून का चर्चा ही चल रहा है। भैया बड़ा इंतजार था लेकिन अब फिर हल्ला हो रहा है, तीसरी बार मोदी सरकार, क्या लगता है? मोदी जी को खुद सरकार में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो 272 नहीं लाए, समझे कि नहीं, इसलिए उनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। हाँ। क्योंकि सत्ता का जनादेश जो है सो मोदी जी के खिलाफ आया है। हाँ। उनके अहंकार के खिलाफ आया है। हाँ। इसलिए सत्ता को उनको छोड़ देना चाहिए, अपने पार्टी में दूसरे नेता को बनाए। हाँ। या विपक्ष को दे दें। हाँ। मोदी जी को प्रधानमंत्री अब नहीं बनना चाहिए। लेकिन भैया बिहार में बड़ा रोचक मुकाबला रहा है ना, बिहार में भी मुकाबला बड़ा रोचक रहा। हाँ, रोचक तो जब चुनाव होता है तो पक्ष विपक्ष का तो राजनीति में अहम हाँ। भूमिका ही होती है। हाँ। और जनता भी लोग एग्रेसिव मोड में रहते हैं। हाँ। बिहार जो है जयप्रकाश का धरती रही है। हाँ। लोहिया की धरती है। हाँ। तो यहाँ का राजनीति जो है उलट फेर का बड़ा रखता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को विश्वास किया है देश पूरा। बिहार की भागीदारी सुनने में आ रही है कि और बढ़ेगी केंद्र में, है ना? तो आने वाले 5 सालों में बिहार के लोगों के लिए और क्या क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बिहार का सवाल है तो मैं यही कहूँगा कि बिहार के मुख्यमंत्री लगातार विशेष राज्य दर्जा का मांग करते रहे हैं, और मेरे समझ से इनका मांग जायज है। बनने वाली सरकार जो आगे बनेगी उनको इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, ताकि बिहार के लोगों को भला हो। अब तो नीतीश कुमार और मजबूती से आ गए हैं तो और मांगने में जो है वो बनेगा भी, है ना? हद से मांग सकते हैं। निश्चित रूप से नीतीश जी जो अपने मांग पर हमेशा चर्चा करते रहते थे, उन चर्चा अब जोर पकड़ेगा क्या है। हाँ। बहुत लोग हैं ऐसे जो कि जैसे कि मान लिया 340 पे लड़ी थी बीजेपी। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो 54% के हिसाब से 240 जीती है। हाँ। आई लोग 340 पे लड़े थे कांग्रेस। हाँ। 99 सीट आया है। हाँ। तो 30% भी नहीं आया, और उसी में हल्ला मचा रहे हैं। हार ही के खुश है भैया। हाँ?
हार के ज्यादा खुश हैं। तो वही ना है? और मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे तो जो विकास का क्रम रफ्तार हो गया। नहीं हम कांग्रेस को एनर्जी मिल गया है, ऑक्सीजन, इसलिए वो खुश हैं। नहीं हमको याद आ रहा है भैया कि क्लास में जैसे नहीं वो बच्चा रहता था जो बहुत मेहनत करने वाला होता था, वो नहीं, वो सोचता था कि मेरा तो 95% नंबर आएगा, लेकिन उसका आ जाता था 80% नंबर, तो बड़ा दुखी हो जाता था। लेकिन एक जो बच्चा होता था उसको लगता था कि पता नहीं पास होंगे कि नहीं, और उसका आ जाता था 40 नंबर। कहां मोदी जी तो पास कर गए। नहीं नहीं नहीं, अरे वही बात भैया की बात कर। देखिए मोदी जी तो पास कर, एनडीए गठबंधन 290 ना है, 290 पर आ गया, 291 जनता उनको 99 पर अटका दिया, ट्रिपल अंक भी नहीं आने दिया, बोला 99 पर रही अच्छा रही। 5:30 बजे जीत का जश्न मना लिए। हाँ वो तो खुश है कि हम तो इतना कम से कम ऑक्सीजन मिल गया, हम आ गए हैं। अब अगले बार देखेंगे कुछ और बढ़ जाए। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार में नीतीश बाबू के चलते एनडीए अच्छा प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार को मतलब श्रेय दे के उन्होंने श्रेय दिए हैं, सब दिन श्रेय दिए हैं। विकास करने वाले भी व्यक्ति है, विकास करने वाले भी व्यक्ति है। इकबाल अहमद, पूर्व प्रदेश महासचिव। हाँ, अच्छा ये बताइए कि चुनाव तो चाहे जो भी जीते लेकिन लहर तो नीतीश कुमार जीत ली है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छी बात से अवगत कराया सभी को। हाँ। और इस जीत के लिए मैं बधाई देता हूँ विशेष कर बिहार एवं देश की जनता को। हाँ। कि इस बार भी तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के कार्य को देखते हुए मैंडेट दिया है।